गाइस सैमसंग ने फाइनली अपना सैमसंग गैलेक्सी M10s लॉन्च कर दिया है और इसका प्राइस रखा गया है 9,000 रुपये और 1,000 एक्स्ट्रा में हमें रियलमी 5 मिल जाता है जिसका प्राइस लगभग 10,000 रुपये है। तो अगर आप गाइस जानना चाहते हैं दोनों फोन्स की सिमिलैरिटीज डिफरेंस और आप जानना चाहते हैं 10,000 में दोनों फोन में से कौन सा बेस्ट होने वाला है तो इस वीडियो में आप बने रहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों फोन्स के डिस्प्ले की। तो हमें सैमसंग गैलेक्सी M10s में हमें 6.4 इंचज की एक HD+ डिस्प्ले मिल जाती है, साथ में होने वाली एक सुपर एमोल डिस्प्ले, साथ में हमें 19.5:9 के एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिल जाते हैं। वहीं पर रियलमी 5 में हमें 6.5 इंचेस की एक HD+ डिस्प्ले मिलती है और यहां पर हमें IPS LCD देखने को मिल जाती है और साथ में हमें 20:9 के एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिल जाते हैं। अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो हमें सैमसंग गैलेक्सी M10s में अच्छे कलर्स देखने को मिल जाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमें सुपर एमोल्ड डिस्प्ले देखने को मिलती है। आगे बात कर लेते हैं दोनों फोन्स के परफॉर्मेंस की। तो हमें सैमसंग गैलेक्सी M10s में एक्जीनो के 7884B हमें परफॉर्मेंस में देखने को मिल जाते हैं, साथ में हमें माली G71MP2 के ग्राफिक और साथ में हमें एंड्रॉयड 9 की सपोर्ट देखने को मिल जाती है। वहीं पर रियलमी 5 में हमें स्नैपड्रैगन 665 देखने को मिल जाता है जो कि 11 नैनोमीटर पर बेस्ड है और इसके साथ साथ हमें एंड्रीनो के 610 ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं। सेम यहाँ पर भी हमें पाई की सपोर्ट देखने को मिल जाती है। नो डाउट अगर आपको आप एक गेमिंग पर्सन हो तो आपके लिए रियलमी 5 बेस्ट फोन होने वाला है। यहाँ पर मैं आपको सैमसंग गैलेक्सी M10s सजेस्ट नहीं करूंगा। आगे बढ़ते हैं दोनों फोन्स की मेमोरी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों फोन्स में आप मेमोरी को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर M10s में 1 TB तक और वहीं Realme 5 में आप 256 GB तक इसे बढ़ा सकते हैं। दोनों फोन्स में आप वेरियंट्स देख सकते हैं, आपको अवेलेबल वेरियंट्स मिल जाएंगे। आगे बात कर लेते हैं दोनों फोन्स के कैमरास की। तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। अगर हम बात कर ले M10s की तो इसमें हमें बैक में ड्यूल कैमरा 13+5 MP का देखने को मिल जाता है, साथ में हमें फिंगरप्रिंट स्कैनर बैक में देखने को मिल जाता है। फ्रंट की बात करें तो यहाँ पर हमें 8 MP का एक वाटर ड्रॉप नोच कैमरा देखने को मिल जाता है। वहीं पर रियलमी 5 में हमें बैक में क्वाड रियर बैक सेटअप कैमरे का देखने को मिल जाता है 12+8+2+2 MP का, साथ में हमें भी यहां पर भी फिंगरप्रिंट स्कैनर बैक में देखने को मिल जाता है। बात कर लेते फ्रंट कैमरे की तो यहां पर भी रियलमी 5 आ गए, यहां पर हमें 13 MP का वाटर ड्रॉप नॉच कैमरा देखने को मिल जाता है। तो अगर आप गाइस 1,000 रुपये एक्स्ट्रा लगा सकते हैं तो यहाँ पर आपके लिए बेस्ट होने वाला है रियलमी 5। आगे बात कर लेते हैं दोनों फोन्स की बैटरीज की। तो यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी M10s में हमें 4000 mAh की बैटरी मिलती है जो कि आती है 15 W के फास्ट चार्जिंग के साथ। वहीं पर Realme 5 में हमें 5000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है, बट यहाँ पर हमें 10 W का एक नॉर्मल चार्जर देखने को मिलता है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो Realme 5 यहाँ पर आगे निकल जाता है कंपैरिजन टू M10s से। तो अगर आपको गाइस वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।